हेलो हेलो, नमस्कार। मैं महेश राजा, महासमुंद छत्तीसगढ़ से आप लोगों के समक्ष लघु कथा वाचन के लिए हाजिर हूँ। कृपया मुझे इशारा करें, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है स्पष्ट? कमेंट्स नहीं आ पा रहे इसमें। भारती, लगभग 2 मिनट शेष है, कोई कमेंट मुझे नहीं दिख पा रहा है, कृपया इशारा करें, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी नमस्कार, मैं महेश राजा महासमुंद से, आदरणीय इंदौर अब तक मंच को नमन। संयोजक श्री राम भगत नेगी जी का हार्दिक आभार, जिन्होंने मुझे इस मंच पर अवसर दिया है। यह लघु कथा के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है। मैं महेश राजा लघु कथाकार छत्तीसगढ़ से हूँ। आप सबको आमंत्रण मिला होगा, उसमें जिक्र होगा इसका। लघु सभी का नमस्कार है। सनी जी, सागर जी, सागर जी पूछ रहे हैं कि इस सब्जेक्ट पर मुझे लघु कथा और कविता के लिए आमंत्रित किया गया है। छत्तीसगढ़ से लघु कथाकार हूँ मैं। अगर आदरणीय राम भगत जी उपस्थित हों, मुझे इजाज़त दे तो मैं शुरू करूँ। 7 बज चुके हैं, मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी, मैं अपनी बात दुष्यंत कुमार जी के इन शब्दों के साथ करता हूँ। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मैसर नहीं शहर के लिए। न हो कमीज तो घुटनों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। जिए तो अपने बगीचे के गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं लघु कथा ही लिखता हूँ। मैं अपनी बात एक क्षणिका से शुरू करता हूँ। गरीबी गरीबी अमीरों के लिए एक पहेली है। उन्हें यह समझ नहीं आता कि लोग भूख भूख क्यों चिल्लाते हैं। भूख लगने पर उनकी तरह जोमेटो या स्विगी पर
फोन क्यों नहीं लगाते हैं। मेरी पहली लघु कथा का शीर्षक है अभिवादन की फिलॉसफी। चाहे नेहरू चौक का चौराहा हो या हनुमान मंदिर, वह अचानक टपक पड़ता सीधे आपके चरणों में, फिर याचक की तरह हाथ जोड़े खड़ा रहता। उसे चाय पीने या इडली खाने 10 रुपयों की जरूरत होती। जैसे ही आप उसे प्रदान करते, वह एक बार फिर पैर में झुकता और फिर आगे बढ़ जाता। एक बार मुझसे रहा न गया। मैंने कहा, भाई देखो, रोज रोज यह सब अच्छा नहीं, रोज रोज यह सब अच्छा नहीं लगता, पैर मत पड़ा करो। वह सीधे स्वर में बोला, सर मेरा तो काम ही यही है। हाँ, जिस दिन से आप रुपया देना बंद कर दोगे, आपके पैर पड़ना बंद कर दूंगा, फिर किसी और के पैर पड़ना शुरू कर दूंगा। धन्यवाद। मैं इसी तरह से छोटी छोटी रचनाएं लिखता हूँ, कुछ लघु व्यंग बड़े भी सुनाऊंगा और कुछ कविताएं भी, जैसा आदेश मिलेगा। मेरी दूसरी लघु कथा है आलोचक मित्र। आलोचक मित्र। मित्र ने मेरी एक सामयिक रचना पर त्वरित टिप्पणी करते हुए कहा, लिखा, आजकल खूब अच्छा लिख रहे हो, कथ्य भी अच्छा है, पर संस्मरण उस पर हावी हो रहे हैं, उससे सावधान रहना होगा। अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग के मोह से बचना होगा। बाकी सब लगभग ठीक है। प्लीज टेक केयर एंड कीप इट अप। इस बीच में चेंज करता हूं थोड़ा सा, एक कविता आपको सुनाना चाहूंगा, चौराहा। आदरणीय राम जी, मैं सही बोल पा रहा हूं, मेरी आवाज आ रही है ना? चौराहा। एक चौराहा है इस शहर में, जहां भीड़ की शक्ल में होता है आदमी रैली में शामिल, किसी आदमी के पीछे चलता हुआ। इस शहर में मशाल रोशनी के लिए नहीं, नारों के लिए जलती है। रैली अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए निकलती है। रैली में शामिल आदमी के पैर चलते हैं दूसरों के लिए। उसे नहीं मालूम कि कौन चला रहा है उसे, कौन उछालता है हवा में नारे। उसके होठों पर चिपका दिए हैं किसी ने जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे। इस शहर में भूल गया है आदमी रैली में चलने वाले पैर उसके नहीं हैं अपने। उसके हाथों में जलती मशाल के सहारे कितना सफ़र तय करना है उसे। इस शहर में आदमी की कीमत पॉलीथीन के पैकेट में बंधी 4 पूरियां और आलू की सूखी भाजी है। इस शहर में आदमी की कीमत पॉलीथीन के पैकेट में बंधी 4 पूरियां और आलू की सूखी भाजी है, और उसे जो उसे मिलेगी इस रैली की आम सभा में जाने के बाद। जानता हूं मैं, इस शहर में साजिश चल रही है आदमी को रैली बनाने की। शून्य किया जा रहा है आदमी का स्पर्श ज्ञान। इस शहर में साजिश चल रही है आदमी को रैली बनाने की। शून्य किया जा रहा है आदमी का स्पर्श ज्ञान, केवल इसलिए कि मशाले जलती रहें, रैलियां चलती रहें, आम सभाएं होती रहें, और कुछ लोग मंच पर बैठकर चर्चाएं करते रहें आम आदमी के भविष्य को लेकर। इस शहर में साजिश चल रही है आदमी को रैली बनाने की। शून्य किया जा रहा है आदमी का स्पर्श ज्ञान, केवल इसलिए कि मशाले जलती रहें, रैलियां निकलती रहे, आम सभाएं होती रहे, और कुछ लोग मंच पर बैठकर चर्चाएं करते रहें आम आदमी के भविष्य को लेकर। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। नेगी साहब ने आज मुझे पहली बार आमंत्रित किया है। मैं लघु कथाएं ही लिखता हूं, बीच बीच में कुछ कविताएं क्षणिकाएं भी जरूर मैंने लिखी है। कल ही मैंने एक रचना लिखी थी फेसबुक के बहाने। एक व्यंगकार मित्र हैं सुभाष चंद्र जी, उन्होंने फेसबुक पर लिखा था, अगर आप नमन, वाह वाह, खूब, बधाई और शुभकामनाएं शब्द सीख लें और उसका उपयोग करें तो आप फेसबुकिया हुनर में माहिर कहलाएंगे। आनंद जी ने इस बात को यूं आगे बढ़ाया कि जिस तरह की पोस्ट का आजकल चलन है, एक श्रद्धांजलि शब्द की और बढ़ोतरी कर दी जाए तो सोने में सुहागा हो जाए। मेरी अगली रचना है व्यापारी, ये भी मैंने हाल में ही लिखी है। सागर जी उच्च कोटि के कलमकार हैं, लेखन विधा में 40 वर्षों से हैं। एक संस्था विशेष से उन्हें ऑनलाइन पुस्तक विमोचन समारोह का आमंत्रण मिला।
कार्यक्रम ठीक ठाक था, विरुदावली नुमा। फिर उनसे आग्रह हुआ दो रचनाएं मंगाई गई, उन्होंने स्नेह सहित दो रचनाएं भेज दी। तुरंत व्हाट्सएप पर उनसे प्रति रचना प्रकाशन हेतु 100 रुपये की मांग की गई। पेमेंट करने हेतु गूगल पे नंबर दिया गया। उन्हें आश्चर्य मिश्रित दुख हुआ, वे पुरानी पीढ़ी के थे, आज तक लेखन हेतु उन्हें पेमेंट या चेक ही मिला था, कोई रचना प्रकाशित करने के लिए उन्होंने कभी कोई रकम खर्च नहीं की थी। उन्होंने लिख दिया, इस शर्त पर तो नहीं, मैंने आपको साहित्यकार समझा था, आप क्या निकले। सामने से तुरंत जवाब आया, हम तो व्यापारी हैं, रुपए लेकर रचना और पुस्तकें छापते हैं, नए लोग सहर सहयोग देते हैं, बदले में हम कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें वाहवाही दिलाते हैं, आप भी शीघ्र भेज दीजिए, अंतिम तिथि कल है। लघु कथा के दौर के बाद लघु व्यंग सुनाता हूँ, बकरी और जंगल। मुझे आप लोग बीच बीच में मार्गदर्शित करते रहें कि मैं ठीक पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि उपस्थिति कम होती जा रही है, शायद लोग पता नहीं व्यस्त हैं। बकरी और जंगल। जंगल के जानवरों ने सोचा कि उन्हें अपना राजा चुन लेना चाहिए। सियार ने कहा, मैं रात भर चिल्ला चिल्ला कर लोगों को सावधान रखता हूँ, इसलिए राजा मुझे ही बनाओ। गिद्ध ने कहा, मैं दूरदृष्टि वाला हूँ, इसलिए राजा के पद पर सबसे योग्य उम्मीदवार मैं ही हूँ। चूहा बोला, मैं हर वस्तु को कुतरने में माहिर हूँ, मुझे अपने पैने दांतों पर भरोसा है, मुझसे अच्छा राजा कोई हो ही नहीं सकता। भेड़िया बोला, मुझे अपने पंजों पर पूरा भरोसा है, इन पंजों से कोई नहीं बच सकता, इसलिए राजा मुझे ही बनाओ। तभी उनकी नज़र एक मिमियाती हुई बकरी पर पड़ी। मैंने जिस लिए इस रचना को लिखा है, ये अंतिम पंक्तियां हैं। तभी उनकी नज़र एक मिमियाती हुई बकरी पर पड़ी। सभी की इच्छा थी कि आज बकरी के स्वादिष्ट मांस का आनंद लिया जाए। भेड़िए ने बकरी की ओर ललचाई नज़रों से देखा। शियार चालाक था, बोला, ठहरो, इतने उतावले मत बनो, पहले चुनाव हो जाने दो, बकरी को तो इसी जंगल में रहना है, हमसे बचकर कहाँ जाएगी। मेरी अगली लघु कथा है काव्य गोष्ठी और भोज। भाई वाह, बधाई हो, आपकी गोष्ठी बहुत सफल रही, श्रोताओं ने अच्छी रचनाओं को खूब सराहा, आपकी रचना को भी बहुत वाहवाही मिली, मित्र कह रहे थे। कुछ देर सोचकर वे बोले, भाई कुछ भी कहो, आपने जिन श्रोताओं को आमंत्रित किया था वे बड़े प्रबुद्ध वर्ग के थे, साहित्य की समझ थी उनमें, गोष्ठी शुरू होने से पहले जो आकर जमे तो अंत तक कोई उठकर नहीं गया अपने घर। आयोजक मुस्कुराए, इस गोष्ठी की सफलता के लिए हमने काव्य पाठ के बाद स्वरुचि भोज का आयोजन किया था। मेरी अगली कथा है लेखक मित्र और शाही भरवा बैगन। लेखक मित्र और शाही भरवा बैगन। बहुत दिनों के बाद पोस्ट ऑफिस में लेखक मित्र से मुलाकात हो गई। उन दिनों जब हम लोग लिखा करते थे तो ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता था, पोस्ट ऑफिस से मनी ऑर्डर्स या चेक आते थे। बहुत दिनों के बाद पोस्ट ऑफिस में लेखक मित्र से मुलाकात हो गई। 250 रुपये का मनी ऑर्डर लेकर वे बाहर निकल रहे थे। उन दिनों 250 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का पेमेंट होता था एक रचना का। वे मुझे देखकर मुस्कुराए, बोले, 250 रुपये का पेमेंट मिला है, अब तो रोज कुछ न कुछ मिलेगा। मैंने कहा, व्यंग के लिए इतना पेमेंट ठीक ही है, वे पहले व्यंग लिखा करते थे। वह बोले, मारो गोली व्यंग को। मैंने भरवा बैंगन की व्यंजन विधि महिला पत्रिका में भेजी थी, उसी का यह मानदेय है। अब मैं भरवा भिंडी, भरवा परवल और भरवा आलू की विधियाएं लिखूंगा। अपने यहाँ व्यंजन साहित्य की बड़ी डिमांड है। उन दिनों मनोरमा मेरी सहेली आदि में व्यंजन प्रतियोगिताएं होती रहती थी, तो मैंने देखा था बहुत सारे पुरुष मित्र भी व्यंजन की रेसिपी भेजा करते थे। अपने यहाँ व्यंजन साहित्य की बड़ी मांग है और उसमें स्कोप भी बहुत है। भरवा बैंगन में काजू किशमिश और बादाम डाल दो तो यह शाही भरवा बैंगन हो जाएगा, यानी इसी बैंगन से 250 रुपये और बन जाएंगे।
इसके बाद वे सब्जी मार्केट की ओर प्रसन्न मुद्रा में मुड़ गए। लघु कथा का अंत हुआ। अगली लघु कथा है इमरजेंसी सरकारी ड्यूटी पर। आदरणीय नेगी सर, आप सब सुन रहे हैं, मुझे इशारा करें। उपस्थिति 5 लोगों की दिख रही है मुझे। वैसे इमरजेंसी सरकारी ड्यूटी पर मेरी अगली रचना है। धन्यवाद सर। 5 से एक सरकारी जीप तेज गति से गुजर गई, जिस पर लिखा था 5 से एक सरकारी जीप तेज गति से गुजर गई जिस पर लिखा था इमरजेंसी शासकीय ड्यूटी पर। आगे जाकर सरकारी जीप जलाराम चाट वाले की शॉप पर रुकी। हम पीछे पीछे ही थे। हम सब ने देखा कि जीप से साहब की बीबी, बच्चे और मेहमान उतरे और चाट ठेले पर आठ डटे। उन्होंने अपनी पसंद से चाट ऑर्डर की। चाट समाप्त कर मैडम ने रुमाल से हाथ पोंछते हुए साहब से कहा, चलो भाई जल्दी, पिकनिक स्पॉट पर पहुंचने में देर हो जाएगी, और आपकी इस सरकारी जीप का क्या भरोसा, जाने कब कहां खड़ी हो जाए। जीप फिर रवाना हो गई। सरकारी जीप यह जानती थी कि इमरजेंसी सरकारी ड्यूटी क्या होती है इन साहबों के लिए, और अब उसे कहां कहां रुकना है। धन्यवाद। एक लघु यंग है मेरा, बहुत चर्चित, सांपों के होते हुए। बारिश हो रही थी, तालाब में पानी भरने लगे थे। शाम होते ही मेंढकों ने टर्राना शुरू कर दिया था। मेंढकी ने अपने मेंढक से कहा, क्यों जी, अपने यहाँ तालाबों में चुनाव होने लगे तो क्या तुम चुनाव लड़ोगे। मेंढक स्वयं स्वर में बोला, डियर, सांपों के रहते हुए मुझे कौन टिकट देगा। लॉकडाउन के दौरान एक लघु कथा लिखी थी, एक टुकड़ा छांव, आपको पसंद आएगी। शहीद घटना पे ये ने। राधे अपने गांव से दूर एक राज्य में रोजी रोटी की तलाश में 6 महीने पहले ही आया था। छोटा बच्चा था साथ में, गांव में बूढ़े माँ बाप और एक कुंवारी जवान बहन। एक सपना लेकर पहुंचा था वह शहर। साथी की मदद से काम मिल गया था। 2 माह बाद घर भी कुछ रुपए भिजवा पाया था। अपनी वर्तमान स्थिति से खुश था। अभी और मेहनत कर ज़्यादा कमाना था ताकि बहन का ब्याह हो सके, साथ ही परिवार का भरण पोषण भी। एकाएक यह महामारी आ गई, मालिक का काम बंद हो गया तो थोड़े रुपए देकर सबको मना कर दिया गया। मकान मालिक को वह किराया नहीं दे पाया था। आज उन्होंने भी कह दिया था, 2-3 रोज में मकान खाली कर दो। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस इतना पता था कि सारी दुनिया में यह बीमारी फैल गई है और लोग मर रहे हैं। उसे गांव की भी चिंता थी, वहां फ़ोन की व्यवस्था नहीं थी। एक दूर के रिश्तेदार को घर भेजकर कुशल क्षेम पता कर लेता था। सामान के नाम पर थोड़ा बहुत था, उसे तो ले जा नहीं सकते थे। एक पुरानी पेटी और थैला था। मकान छोड़ना ही पड़ा, गांव बहुत दूर था। सभी मजदूर पलायन कर रहे थे, वे लोग भी निकल पड़े। थोड़े रुपए थे तो बच्चे के लिए दूध पानी और फल खरीद लिया था। मई माह की गर्मी, सड़क तप रही थी, चप्पलें भी जवाब दे रही थी। कहीं कहीं पर कुछ नाश्ता और पानी मिल जाता था। कोई साधन न था तो एक समूह के साथ पैदल ही चल रहे थे। घरवाली और बच्चे के सूखे मुंह देखकर उसे अपनी व्यवस्था पर खींच आई। कोई ठिकाना मिलता तो वे रुक जाते, फिर आगे बढ़ जाते। कभी कोई खबर आती, इतने मजदूर सड़क या ट्रेन हादसे में मर गए तो कांप उठते। फिर पता चला शासन उनको घर पहुंचाने की व्यवस्था कर रही है तो थोड़ी राहत महसूस हुई। चलो जैसे भी हो, सब साथ रहकर सुख दुख में गुजारा कर लेंगे। ठोकर लगने से घरवाली की चप्पल टूट गई, गिर गई, उन्हें रुकना पड़ा। थोड़ी देर बाद एक वाहन में कुछ लोग खाना और पानी ले आए तो हाथ जोड़कर राधे ने विनती की, साहब खाना तो मिल ही जाएगा, एक जोड़ी चप्पल दिला देते, मेहरारू के पाँव में छाले हो रहे हैं और दूर तक पैदल चलना है। सभी कार्यकर्ता बगले झांकने लगे, वे भी क्या करते, वे तो सिर्फ भोजन और पानी बांटने निकले थे।
थोड़ी देर में वाहन आगे बढ़ गया। अचानक धूप बढ़ गई, चक्कर सा आने लगा। उसने घरवाली और बच्चों की तरफ देखा, वे परेशान दिख रहे थे, बच्चे के आंसू सूख गए थे। राधे अब इधर उधर नज़र दौड़ाकर एक टुकड़ा छांव ढूंढ रहा था ताकि वह अपनी पत्नी और बच्चे को थोड़ा थोड़ा सुकून दे सके। तो थोड़ा चेंज करना चाहूँगा, मैं माँ पर एक कविता सुनाना चाहूँगा। शीर्षक है, धन्यवाद सर, शीर्षक है माँ कहती है। माँ कहती है देर रात तक जागना अच्छा नहीं है सेहत के लिए। माँ हमेशा उड़ जाती है मुर्गे की बांग पर, पोंछा लगाती है, बर्तन साफ करती है, नाश्ता बनाती है और चाय लाती है मेरे लिए। एक युवती है जो कार्य करती है ऑफिस में, उसकी माँ है, पिताजी नहीं है और शादी नहीं हुई है। जानते ही माँ, जानती है माँ, मुझे आराम नहीं मिलता दिन भर, विवशता के घेरों को घर से ऑफिस तक जानती है माँ। माँ जानती है सब कुछ, जानती है मेरा मन, मेरी सेहत, मेरी खुशियाँ, उसके हाथों से फिसलते हुए मेरी उम्र के दिन। शादी नहीं हो पा रही है, एक माँ ही समझ सकती, बेटी अगर कुंवारी रहे तो बहुत तकलीफ़ होती है। माँ जानती है सब कुछ, जानती है मेरा मन, मेरी सेहत, मेरी खुशियाँ, उसकी हाथों से फिसलते हुए मेरी उम्र के दिन। सब कुछ जानते हुए भी माँ कहती है, सब कुछ जानते हुए भी माँ कहती है देर रात तक जागना अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। अपनी बेटी का सुखी संसार बुनती है माँ दिन भर, अपने अनुभव के क्रॉसियों पर, उसकी आँखों पर लटका मोतियाबिंद का मोटा चश्मा देखकर पहचान लेता है। अलमारी में रखे पापा के स्वेटर में कहाँ गलत हो गए फंदे। साफ करना नहीं भूलती माँ, आईने पर लगी धूल। रात देर तक पढ़ने की आदत जानती है माँ, जानती है माँ, पढ़ते पढ़ते ही आती है मुझे नींद। माँ रोज करती है मेरे लिए दुआ, मुझे अच्छे सपने आए, यह जानते हुए भी कि सपने, अच्छे सपने साकार नहीं होते। माँ जानती है सब कुछ, मुझे अच्छे सपने नहीं आते, फिर भी कहती है माँ रात देर तक जागना अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। मेरी आँखों से माँ हर रोज लगा लेती है सपनों का हिसाब। कहती है माँ मेरे पापा भी जागते थे देर रात तक और सुबह दे देते थे सपनों का हिसाब माँ को। माँ पापा से भी कहती थी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता देर रात तक जागना, लेकिन पापा ने कभी नहीं मानी माँ की बात। वे सपने देखते रहे और अकेला छोड़ गए माँ को उसके आंचल में मेरी तोतली बोली बांधकर। माँ जानती है सब कुछ, कुछ नहीं कहती, कहती है तो बस इतना देर रात तक जागना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। थोड़ा सा परिवर्तन, मैं लघु व्यंग सुनाता हूँ। बढ़ती हुई महंगाई, आजकल की हमारी बहनें माताएं किस तरह से अपना घर चला रही है उस पर मैंने एक कोशिश की थी। मैंने दूध वाले से कहा, क्यों भैया ये ससुरी महंगाई तो बढ़ती ही चली जा रही है, लेकिन तुमने दूध की कीमत कभी नहीं बढ़ाई। दूध वाला भैया हंसा, आपको आज तक हमारे दूध में कोई फर्क लगा क्या, उसने प्रश्न किया, आपको आज तक हमारे दूध में कोई फर्क लगा क्या, वैसा ही दे रहे हैं सालों से, हमें जनता का बड़ा ध्यान रहता है साहब, बेचारे वैसे भी महंगाई के बोझ से दबे जा रहे हैं, लेकिन हम इसलिए ऐसा करते हैं कि दूध में थोड़ा सस्ता वाला दूध पाउडर और पानी मिला देते हैं। धन्यवाद। अगला लघु व्यंग है, परीक्षा की तैयारी। विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाओं की तिथि की घोषणा हो चुकी थी। बाजार में बीए अंतिम के एक छात्र से मेरी भेंट हो गई। मैंने पूछा, परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? वह बोला, तैयारी में ही तो लगा हूँ, अपने चाकू की धार बनवाने निकला हूँ। अन्य लघु व्यंग है, परिभाषा। आप क्या करते हैं? जी सरकारी महकमे में हूँ,
किसी ने पूछा, आप क्या करते हैं? दूसरे ने जवाब दिया, जी सरकारी महकमे में हूँ। पहले ने कहा, तो यूँ कहिए ना कि कुछ नहीं करते, सिर्फ मौज करते हैं। आजकल जो हमारे कर्मचारीगण काम के प्रति अरुचि दिखा रहे हैं, उस पर मैंने एक कोशिश करी थी। उसी तरह से एक पोस्ट ऑफिस के ऊपर मैंने व्यंग लिखा था, सरकारी नौकर, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आगे बढ़ता हूँ। एक बड़े शहर के डाकघर में डाक वितरण के समय रखे हुए पैकेटों में से तीव्र दुर्गंध उठी। धन्यवाद सर, श्री रविंद्र कुमार शर्मा सर को मैं नमस्कार करता हूँ, नेगी सर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक बड़े शहर के डाकघर में डाक वितरण के समय रखे हुए पैकेटों में से तीव्र दुर्गंध उठी। एक लिफाफा देखकर पोस्टमैन को शक हुआ, उसने पोस्टमास्टर से रिपोर्ट करी। दो गवाहों के सामने लिफाफा खोला गया, उसमें से एक मरा हुआ चूहा निकला। उसे देखकर पोस्टमास्टर डर गए। किसी ने पूछा, क्या हो डाक साहब, मरे हुए चूहे से डर गए? पोस्टमास्टर बड़ी सादगी से बोले, भाई हम ठहरे सरकारी नौकर, हमें तो सबसे डरना पड़ता है, पता नहीं इस चूहे को किस बड़े आदमी का संरक्षण प्राप्त हो। धन्यवाद सर। अगला लघु व्यंग है नैतिक मूल्य। हमारे एक मित्र गिरते हुए नैतिक मूल्यों के प्रति बहुत चिंतित हैं। मुझसे कहने लगे, आज़ादी के बाद नैतिक मूल्यों में कितनी गिरावट आ गई है। कल कचहरी गया था, मुझे अपने जमीन की नकल लेनी थी। पटवारी ने कहा, अभी नक्शा कंप्यूटर में गया है, वहाँ से आएगा तो आपको नकल बना दूंगा। वह थोड़ी देर रुककर बोले, कब तक आ जाएगा? पटवारी ने कहा, ये सरकारी कंप्यूटर है, इसलिए कितने महीने लगेंगे यह तो मैं भी नहीं बता सकता। मित्र बोले, मैंने पटवारी से कहा कि मुझे मकान बनाने के लिए बैंक से लोन लेनी है, बिना नक्शे के लोन नहीं मिलेगी, इसलिए और कोई रास्ता हो तो बताइए। पटवारी जी ने रास्ता बता दिया और मैंने उसे 300 रुपये नक्शा बनवाने के लिए दे दिए। देखिए भ्रष्टाचार किस हद तक आगे बढ़ रहा है। कहने का मतलब यही था कि पटवारी स्तर के सरकारी कर्मचारी के नैतिक पतन के मूल्य का रेट 300 रुपये है। इसके बाद और भी राजस्व विभाग के कई अफसर हैं जिनके नैतिक मूल्य गिरे हुए हैं। फिर उन्होंने लगभग सभी सरकारी विभागों में गिरते हुए नैतिक मूल्य की चर्चा की। कुछ दिनों बाद मुझे अपने नए निवास में टेलीफोन लगवाना था। मुझे पता चला कि मेरे मित्र ही यह सेक्शन देखते हैं। मैं प्रसन्न हो गया। मैंने उनको आवेदन दिया और कहा कि मकान का गृह प्रवेश 4 दिनों के बाद है, मैं चाहता हूँ कि गृह प्रवेश के साथ टेलीफोन भी लग जाए। मित्र बोले, अभी तो इंस्ट्रूमेंट की सप्लाई नहीं है, आ जाएंगे तो सबसे पहले आपके नए घर में ही लगेगा। मैंने पूछा, कितने दिन लगेंगे? उन दिनों लैंडलाइन का बड़ा चलन था। मैंने पूछा, कितने दिन लगेंगे? वह बोले, सरकारी काम है, कितने दिन या महीने लगेंगे यह बताना मुश्किल है। मैंने पूछा, और कोई विकल्प? वह बोले, बड़े साहब से बात करनी पड़ेगी। तब मैंने हंसते हुए कहा, बड़े साहब के नैतिक मूल्य किस रेट तक गिरे हैं? वह बोले, आप हमारे मित्र हैं, आपसे कोई ज़्यादा थोड़ी लेंगे। धन्यवाद। अगला लघु व्यंग है नमस्कार प्रजातंत्र। वह बोले, मैंने लोगों को नमस्कार करना छोड़ दिया है। दो लोग बात कर रहे थे। वह बोले, मैंने लोगों को नमस्कार करना छोड़ दिया है। मैंने कारण जानना चाहा तो उन्होंने कहा, लोग नमस्कार का गलत अर्थ लगाने लगे हैं। जिसे नमस्कार करो वह दिन भर परेशान रहता है और केवल यही सोचता है कि मैंने उन्हें क्यों नमस्कार किया। फिर सोचता है कि जरूर मैं उनसे कुछ रुपए उधार मांगने आ सकता हूँ, या फिर ऐसा सोचते हैं कि उनसे जरूर मेरा कोई काम अटका होगा। आज आदमी नमस्कार का यही अर्थ लगाता है कि नमस्कार के पीछे नमस्कार करने वाले का कोई स्वार्थ होगा। मैंने कहा, हर आदमी ऐसा नहीं होता। जो खुद स्वार्थी होता है और लोगों की खुशामद अपने स्वार्थ के लिए करता है, वही आदमी ऐसा सोच सकता है। वह बोले, मैंने कल नगरपालिका वाले एक कर्मचारी को नमस्कार किया तो
तो वह व्यंग करते हुए बोले, सुबह सुबह नमस्कार, सुबह सुबह नमस्कार कर रहे हो, क्या बात है? वह बोले, उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। अपने जैसा सबको समझते हैं, मैंने तो आदर भावना के साथ नमस्कार किया था और वह गलत सोच रहा है। उसके बाद अस्पताल के एक कर्मचारी को भी नमस्कार किया तो उसने हाथ उठाने के बदले केवल सिर हिला दिया। बाबूगिरी कर रहा है और अपने आप को अफसर समझता है, नमस्कार का जवाब सिर हिलाकर देता है, जा मर, अब से तुझे नमस्कार करना बंद। इसलिए कहता हूँ कि नमस्कार करना सबसे बड़ी मूर्खता का काम है आजकल। जिसे नमस्कार करोगे उसका भाव चढ़ जाएगा और वह सोचेगा कि हम उससे इस नमस्कार के बदले कोई काम करवा लेंगे। बहुत बड़ा मनोविज्ञान का तथ्य है ये। मैंने कहा, लेकिन जो लोग आपको पहले से नमस्कार करते हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वह बीच में ही बोले, सब स्वार्थी हैं, अपने मतलब से नमस्कार करते हैं। एक सज्जन पिछले 3 दिनों से नमस्कार कर रहे थे, मैं सोचता था कि वह मुझसे आदर दे रहे हैं, लेकिन कल ऑफिस आए और बोले, आप मेरा टेलीफोन दूसरी जगह शिफ्ट करवा दीजिए, मैंने सुना है कि आजकल आप यही काम करते हैं। थोड़ी देर उन्होंने सड़क पर चलते हुए आदमियों की ओर नज़र दौड़ाई और फिर बोले, मैंने उनसे कह दिया कल से मुझे नमस्कार मत करना, अपना आवेदन लगा दो, साहब जब ऑर्डर कर देंगे आपका टेलीफोन शिफ्ट हो जाएगा। सच कहता हूँ, ऐसे मतलबी आदमियों का मुंह देखना मुझे पसंद नहीं है। तभी देखा एक विकृत चेहरे वाला मरियल सा आदमी सामने से आ रहा था। उनका कुर्ता पायजामा इस बात का गवाह था कि वह नेता था। चेहरे पर सत्ता लटकी थी। जैसे ही वह पास आया, मेरे मित्र ने हाथ उठाकर ऊंची आवाज में उन्हें नमस्कार किया। जब वह कुछ दूर चले गया तो वह बोले, क्या करें, कभी कभी गधों को भी नमस्कार करना पड़ता है, यही तो हमारे प्रजातंत्र का उपहार है। धन्यवाद। आदरणीय शर्मा जी, धन्यवाद, आप मेरी रचना के लिए प्रतिक्रिया दे रहे हैं। नेगी सर, आदेश करें कि, और सुनना है कि मतलब लगभग आधा भाग हो गया है, 7:30 बज गए हैं, आप जैसा मुझे आदेश करें। 4 लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आप जैसा कहेंगे वैसा मैं आपको और सुना सकता हूँ, लघु कथाएँ और कविताएँ भी। जब तक आप मुझे इंगित करें मैं एक नई रचना सुनाता हूँ, दर्द की लकीरें। दीपावली की शाम पूजा आराधना संपन्न हो गई थी, वे सब पत्नीक बच्चों की बातें कर रहे थे। तभी पाठक जी पहुँचे, कुलिक थे, विदुर रिटायर्ड हो गए थे, जिंदगी भर बच्चों के सुख के लिए प्रबंध करते रहे। एक दिन दोनों बेटे अपने परिवार को लेकर अलग हो गए। चाय नाश्ते के दौरान पाठक जी ने घर की गृहिणी से पूछा, इस धनतेरस या दिवाली पर आपने क्या खरीदी की? गृहिणी उत्साह से बता रही थी, एक बेटा और बेटी हैं, दोनों के लिए नई घड़ी और फ्रिज खरीदा है, दोनों के नाम से ही कुछ बचत भी की है और 2 प्लाट भी खरीदे हैं, भविष्य में दोनों को एक एक मकान जो देना है। पाठक जी ने ध्यान से सब कुछ सुना, उन्हें अपने बच्चों की याद हो आई। बड़े ही दुखी स्वर में वे बोले, एक छोटा सा मकान अपने लिए भी रख लेना, जाने कब जरूरत पड़ जाए। उनके चेहरे पर दर्द की अनगिनत लकीरें थीं जो साफ पढ़ी जा सकती थी। वातावरण को हल्का करने के लिए मेजबान ने कहा, अरे पाठक जी, गुजिया तो आपने चखी ही नहीं, भाई हमारी श्रीमती जी गुजिया एक्सपर्ट हैं। धन्यवाद। आदरणीय, मुझे आपकी तरफ से कोई इशारा नहीं मिला है, मुझे इशारा करें कि अगर आप और सुनना चाह रहे हैं तो मैं कुछ और रचनाएं सुना सकता हूं। हाल में ही शरद उत्सव से हम आगे बढ़े हैं। शरद उत्सव खीर और साहित्य चर्चा। शरद पूर्णिमा पर कर्मचारी वर्ग ने एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया था। देर रात तक चले कार्यक्रम में कवियों ने अपनी रचना से खूब वाहवाही लूटी। दूसरे दिन ऑफिस में इसकी खूब चर्चा हुई। रस मर्मज्ञ देशपांडे जी से किसी ने उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। देशपांडे जी साहित्यिक रसिक थे, मग्न होकर बोले, रचनाएं तो ठीक ठाक थी,
पर हाँ 12 बजे के बाद आपने जो खीर वितरित की वह अत्यंत स्वादिष्ट थी। और एक बात और, कार्यक्रम के समापन के बाद भजी और चटनी ने तो मज़ा ला दिया, स्वाद अभी तक जीभ पर बना हुआ है भाई। वाह, एक लघु कथा है, फटकार, थोड़ा रस चेंज कर रहा हूँ, हास्य की बात है इसमें। बड़े साहब का किसी बात से आज सुबह से मूड ऑफ था। सीनियर ऑफिसर कोई फाइल लेकर पहुँचे तो उन्होंने खूब डांट पिलाई। सीनियर ने तुरंत अपने जूनियर को बुलाकर खूब लताड़ा। जूनियर ऑफिसर को कुछ समझ नहीं आया। केबिन में पहुँचे तो उन्हें बड़े बाबू दिख गए, शुरू हो गए, बिना बुलाए क्यों आए, जाइए अपने टेबल पर जाकर काम कीजिए। बड़े बाबू को अचरज हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ है, साहब ने हमेशा साथ बैठकर चाय पिलाई है, जरूर सुबह सुबह मेम साहब से पंगा हुआ होगा। उन्होंने सिर झटका, पूरा मूड खराब हो चुका था, किसी फाइल के बहाने छोटे बाबू को खूब डांटा। छोटे बाबू कहाँ पीछे रहते, उन्होंने चपरासी के कान खींचे, चाय पानी क्यों नहीं पिलाया। चपरासी केबिन से निकला, पानी पिलाने वाले छोकरे को खूब झाड़ा, कहा चाय लाबे। छोकरा ऑफिस से बाहर निकला, उसका ध्यान सड़क किनारे सो रहे पूंछ कट्टे कुत्ते पर पड़ी। उसने एक भद्दी गाली देते हुए कुत्ते को जोर की लात जमाई। कुत्ते को कुछ समझ नहीं आया कि एकाएक यह क्या हो गया। वह काय काय करता एक तरफ भाग खड़ा हुआ। छोकरा तालियां बजाते खुश होकर हंसने लगा। अगली रचना है कफन। माधव मजदूरी का काम करता था, सबके साथ छोटी बस्ती में रहता था, उसका कोई नहीं था। कहते हैं एक बेटा था, वह अचानक एक रोज कहीं चला गया, फिर वापस लौटकर नहीं आया। माधव की अचानक मौत हो गई। सुबह काम ज़्यादा था, खाली पेट था, पानी पीकर गिर पड़ा। माधव के प्राण पंखेर उड़ चुके थे। सब चर्चा कर रहे थे, जरूर अटैक आया होगा। एक बुजुर्ग खोखली हंसी हंसा, बेटा हम गरीबों की मौत अटैक से नहीं होती। बुजुर्ग खोखली हंसी हंसा, बेटा हम गरीबों की मौत अटैक से नहीं होती, हमें तो भूख ही मार डालती है। सबने मिलकर माधव जी का अंतिम संस्कार करने का तय किया। दो साथी कफन का कपड़ा लाने बाजार गए। एक ने पूछा कैसा कपड़ा खरीदें, कोई अच्छा वाला। दूसरा दुखी स्वर में बोला कैसा भी ले ले भाई, जीते जी एक धोती में जीवन काट दिया, अब मौत के बाद क्या पहनना और क्या ओढ़ना। आदरणीय नेगी सर, और सुनना चाहेंगे कि मैं यहीं पर विराम करूं? आप जैसा आदेश करें, आपकी तरफ से कोई आदेश नहीं आ रहा है, 6-7 लोग जुड़े हुए हैं मुझसे, तब तक मैं एक रचना पढ़ते जाता हूं। अभी अभी एक भावुक रचना है। बेटा बाहर से आया था तो भूखा था, आते ही बोला माँ कुछ खाने को दे। माँ ने सारा काम छोड़कर रोटी और साग परोस दिया। इकलौता बच्चा था, वे अकेली थी, सिलाई बुनाई कर अपना वह बेटे का पेट पालती थी। बेटे को जोर की भूख लगी थी, वह खाता गया। माँ स्नेहमयी नज़रों से बेटे को भोजन करते देखती रही, यहाँ तक कटोरदान की अंतिम रोटी भी उसे परोस दी। सब्जी तो पहले ही समाप्त हो गई थी। अचानक बेटे को कुछ याद आया, वह बोला माँ तुमने खाया कुछ। वह तंद्रा से जागी, बेटे को देखा और झटपट बोली हाँ खाया ना बेटा अभी अभी। माँ अपने बेटे को खाते हुए देख के खुश हो गई। एक जानवरों पे मैंने लिखा था जंजीर की विवशता। पहले कुत्ते ने दूसरे कुत्ते की तरफ देखकर कहा यार इस तरह दूसरों की जंजीर में बंद कर अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो, मेरी तरह आज़ाद रहो, कब तक अपनी वफादारी दूसरों के टुकड़ों पर बेचते रहोगे। दूसरा कुत्ता बोला पार्टनर मैं तो अपने मालिक को छोड़ना चाह रहा हूँ पर मालिक ही मुझे नहीं छोड़ता। कल कह रहा था अब तुम ट्रेंड हो गए हो, याद है ना तुम्हें, मैंने जिन लोगों की लिस्ट तुम्हें दी है उन पर तुम्हें मुझसे पूछे बिना ही भौंकना है। पहला कुत्ता फिर बोला यानी कि तुम आदमी के इशारों पर जी रहे हो,
भौंकना तो हमारा जातिगत संस्कार है बॉस, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आदमी हमें सिखाएं कि हमें किस पर भौंकना है। कुत्ता संयत स्वर में बोला, सही कहते हो भाई, जंजीर की व्यवस्था वही समझ सकता है जिसके गले में जंजीर होती है। अपने मालिक की रोटी पर पलने पर भी मैं तुम पर भौंक नहीं रहा हूं, यही कम है क्या? एक दिवाली के पहले की रचना है, असल धनवान। रीमा को सप्ताह में दो बार मुख्य बाजार तक जाना ही पड़ता था। धन्यवाद दीपू नेगी जी, रविंद्र जी, मैं आप लोगों का आभारी हूँ कि आप मेरे साथ बने हुए हैं, मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं। पहली बार है आपके मंच पर, मुझे आप सबका स्नेह चाहिए। असल धनवान रचना का शीर्षक है। इसके बाद मैं एक दो कविताएं सुनाना चाहूँगा। रीमा को सप्ताह में दो बार मुख्य बाजार तक आना ही पड़ता था। नेहरू चौक पर बहुत सारी दुकानों के साथ खाली जगहों पर फल वाले मोची और अन्य लोग बैठकर दुकानदारी करते हैं। वहीं कोने पर एक ग्रामीण महिला मिट्टी के घड़े, गुल्लक और अन्य सामान लेकर बैठती। वह सबसे हंसकर बात करती। उम्र ज़्यादा न थी, पर वक्त के थपोड़े ने असमय उसे वृद्ध। नमस्कार अरुण द्विवेदी सर, बहुत बहुत नमस्कार। वह सबसे हंसकर बात करती, उम्र ज़्यादा न थी, पर वक्त के थपोड़ों ने असमय उसे वृद्ध बना दिया था। चेहरे पर की झुर्रियों अनुभव की आँच से तप कर निकलने का दावा कर रही थी। रीमा हमेशा कुछ न कुछ खरीदी करती, कभी भी मोल पाव न करती थी। वापसी में आज भी वह रुकी, एक घड़ा और दो शकोरे लिए। माँ जी ने कीमत 100 रुपये बताई। रीमा के मुंह से निकलने ही वाला था, हमेशा तो आप 20 रुपये लगाती है, ऐन वक्त पर उसने स्वयं को रोका और चुपचाप 100 रुपये दे दिए। घड़े वाली महिला ने उसके चेहरे के भाव पढ़ लिए थे। गाड़ी में घड़ा और सकोरा रखते हुए उसने रीमा को 10 रुपये लौटाए। बेटी तुम कभी कुछ नहीं कहती, आज मेरा मन है, यह 10 रुपये रख लो। रीमा मन में आए विचारों के कारण आत्मग्लानि से ग्रस्त थी। रीमा ने मन ही मन संकल्प किया, भविष्य में वह मेहनत कस लोगों से कभी मोल भाव नहीं करेगी। उसने वह 10 रुपये वापस नहीं लिए। अगली लघु कथा है याददाश्त। भाई साहब कह रहे थे, क्या बात है, आजकल कुछ याद नहीं रहता, बात करते करते भूल जाता हूँ किसी को, बहुत दिनों बाद देखता हूँ या मिलता हूँ तो पहचानने में मुश्किल होती है। मैंने उन्हें समझाया कि ऐसा थकान या बेवजह तनाव के कारण होता है, साथ ही वह बात जो दिल पर घाव या चुभन नहीं छोड़ जाती हमारी याददाश्त से बाहर हो जाती है। भाई साहब उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े हैं, 76 पार कर चुके हैं, लेकिन मुझसे मित्रवत व्यवहार करते हैं। मैंने कहा, भैया सुबह शाम दूध के साथ बादाम लीजिए, याददाश्त के लिए फ़ायदेमंद होगा। भाई साहब दार्शनिक अंदाज में हंसे, फिर बोले, दूध बादाम से कुछ नहीं होने वाला रे, मैं तो सोच रहा था कि इंसान की पूरी याददाश्त ही खो जाए तो कितना अच्छा हो। जिंदगी की सारी कटुता इस याददाश्त की वजह से ही तो है। धन्यवाद। एक लघु व्यंग है, धन्यवाद सर अरुण द्विवेदी सर। पोस्टर। सरकार भंग होते ही दुकानदार ने अपनी दुकान पर लगे पार्टी के पोस्टर निकाल दिए। सरकार भंग होते ही दुकानदार ने अपनी दुकान पर लगे पार्टी के पोस्टर निकाल दिए। मैंने कहा, आप तो इस पार्टी के समर्थक रहे हैं, फिर आपने पोस्टर क्यों निकाल दिए? वह बोले, आज़ादी के बाद हम पोस्टर बदल बदल कर ही तो अपनी दुकान चला रहे हैं। धन्यवाद सर। मैं कविता ढूंढ रहा था, मैं आप सबको एक कविता सुनाता हूँ। रंग बिरंगी पुनरावर्तन, ये शाम के ऊपर मैंने लिखी थी। धन्यवाद सर कवि अरुण सर, बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा सा रस बदलता हूँ। कविता। देखती है रोज मेरी आंखें रंग बिरंगी दुपट्टे के सहारे चलती वह लड़की, शाम की थकी हुई किरणों की तरह उतर आती है, उतर आती है मेरे घर के सामने की सड़क पर, लौट जाती है फिर
रात के श्याह अंधकार में खो जाने के लिए। देखती है रोज मेरी आंखें रंग बिरंगी दुपट्टे के सहारे चलती वह लड़की शाम की थकी हुई किरणों की तरह उतर आती है मेरे घर के सामने की सड़क पर, लौट जाती है फिर रात के श्याह अंधकार में खो जाने के लिए। वह लड़की जिसके जिस्म पर है पूरे दिन के जख्मों के निशान, शायद किसी चक्रव्यूह से बचकर लौट रही है वह लड़की, जिसके चेहरे पर जीत की कोई खुशी नहीं। मन करता है उसे रोककर सवाल करूं, बारिश की बूंदों से भीगती हुई सरोवर भीगी चुनरी निचोड़कर चेहरे को छूती अलहड़ अठहेलियां करती बूंदों से पहुंचती हुई अपने मुखड़े को थरथराते कपकपाते बदन को सजा सकुचाते लजाते धांपते क्यों इस तरह से आती हैं अंधकार में खो जाने के लिए। वह लड़की चुप रहती है, हमेशा चुप रहती है वह लड़की शाम के अंधकार होने तक। बाहर बरखा और अंदर अपने ख्वाहिशों की बारिश से मायूस, बाहर बरखा और अंदर अपनी ख्वाहिशों की बारिश से मायूस वह हमेशा चुप रहती है। एक लघु कथा है तिरंगा, अभी हाल में हम लोगों ने त्यौहार मनाया था उस पर मैंने एक लिखी थी, क्षमा सभी का धन्यवाद जो मुझे सुन पा रहे हैं। तिरंगा ले लो दादाजी 2 और 3 रुपए में। वे चौंक के पलट कर देखा, एक 8 वर्षीय बालक सामान्य साफ सुथरे कपड़ों में ढेर सारे छोटे बड़े तिरंगे लिए आवाज़ लगा रहा था। उनका नित्य नियम सुबह उठकर नहा धोकर चौराहे वाले हनुमान जी मंदिर तक आना और दर्शन करना था, फिर सामने बने बाल उद्यान की सैर करते नन्हे नन्हे बच्चों को अपने माता पिता या पालक के साथ हंसते खेलते देखना उन्हें अच्छा लगता, उन्हें अपने पोते की याद आ जाती। 5 पहुंचकर पूछा, पढ़ते लिखते हो बेटा? उत्तर मिला, जी को 4थी कक्षा में हूँ, आजकल महामारी की वजह से शालाएँ बंद हैं। उन्होंने पूछना चाहा कि इस तरह से झंडे बेच रहे हो क्या इसका अपमान नहीं होगा? वह क्या समझा पता नहीं पर स्वतः बुदबुदाया। दीदी ने बताया कि लोग तो देश को बेच रहे हैं, मैं तो पेट की खातिर केवल झंडे बेचता हूँ। पता चला पिता चल बसे, माँ सिलाई बुनाई का कार्य करती है, इन दिनों बीमार है। पड़ोस की दीदी ने यह मुझे कहा है कि आप इसे बेचो। उन्होंने 50 रुपए के तिरंगे लिए, बालक खुश हो गया। वे आगे बढ़े, बगीचे में ढेर सारे बच्चे आए हुए थे, उन सबको एक एक तिरंगा देते हुए समझाया कि यह हमारे देश की शान है, इसे गिरने मत देना। बच्चों ने हामी भरी, वे खुश हुए। दूर से देखा तो वह बालक उनकी तरह स्नेह भरी नज़रों से देख रहा था उन्होंने हाथ उठाकर उसे विदाई दी। धन्यवाद सर। अभी हाल में मेरे बच्चे का जन्म दिवस था। अंग्रेजी माह अनुसार बेटे का अवतरण दिवस 3 अक्टूबर पड़ता है। एक व्यंकार मित्र घर आए, बेटे को आशीर्वाद देते हुए बोले, बच गए बेटा, एक दिन पहले जन्म लेते तो आजीवन दुखी रहना पड़ता। पेट और प्रार्थना अगली लघु कथा है। 8-9 वर्षीय बच्ची ने इधर उधर देखा, चौक वाले मंदिर के भीतर कोई नहीं था। वह धीरे से भीतर गई, भगवान जी को नमन किया। थोड़ी देर पहले ही एक भक्त केला और मिठाइयाँ रख के गए थे। बच्ची ने 2 केले और 1 मिठाई उठाकर भगवान जी से प्रार्थना की, मुझे माफ़ करना भगवान, घर पर माँ बीमार है, 2 दिन से काम पर नहीं जा सकी है और छोटा भाई भूखा है, आपका प्रसाद समझकर ले रही हूँ। फिर धीरे से रुककर बोली, एक विनती है, अगली बार अगर मुझे जन्म देना तो बिना पेट के ही धरती पर भेजना, जब भूख लगती है ना तो पेट बहुत दुखता है। एक पति पत्नी के ऊपर एक लघु कथा है, सिलसिला। क्या सोच रही हो? सोचने के लिए अब कुछ नहीं है। इतनी चुप क्यों हो? कुछ कहती क्यों नहीं? कहने सुनने को अब कुछ शेष नहीं बचा, इतनी तलखी आखिर क्यों? सोचो शायद कुछ याद आ जाए, तो इस तरह से कैसे चलेगा जैसा पहले चलते आया है? फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी घर गृहस्थी वैसे ही चलाती रहूँगी, तुम्हारा खाना पीना कपड़ा सोना और बच्चों की बीमारी सब करती रहूँगी,
और हाँ, मैं पहली नारी नहीं जिसके साथ यह सब होते आ रहा है, यह तो सदा से ही चलते आया है। अब सो जाओ। दोनों मुंह फेर कर लेट गए। कमरे में एक अजीब खामोशी पसरी हुई थी। धन्यवाद सर। उसी तरह से मैंने पति पत्नी विमर्श पे एक मौन रचना लिखी थी, वो मैं अपने को सुनाना चाहता हूँ। क्या बात है, आज बिल्कुल चुप हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नहीं नहीं, कोई तो बात है, मुझे नहीं बताओगी? कुछ बात हो तो बताओ ना। नहीं, मुझे तुम्हारा मौन रहना खल रहा है। कभी कभी मौन रहना भी जरूरी है जीवन में। अटखेलियाँ बातों की हर वक्त जरूरी तो नहीं। तुम टाल रही हो क्या, मेरी किसी बात से खफा हो? नहीं, देखो मैं तुम्हारी खामोशी सहन नहीं कर सकता, पुरुष हो ना इसलिए। क्या नारी अपनी मर्जी से चुप भी नहीं रह सकती? यह मैं नहीं जानता, पर तुम मौन रहो यह मुझे मंजूर नहीं। अनादिकाल से यही तो होते आ रहा है। नारी जब छोटी होती है तो माँ चुप रहने को कहती है, फिर शिक्षक और विवाह के बाद पति, उसके बाद बेटा और बहू। यह तो नारी की नियति है। पुरुष नारी पर अपना अधिकार समझता है, उसके मौन के मनोविज्ञान को वह क्या समझेगा? क्योंकि मौन होता ही बड़ा विकट है। जिस दिन पुरुष मौन रहने का अर्थ या मौन रहना सीख जाएगा, उस दिन से समाज में क्रांति आ जाएगी, और कभी न कभी यह दिन अवश्य आएगा। आज मुझे मौन रहकर अपने नारी होने का अर्थ समझना है, तो कृपा कर मुझे अकेला छोड़ दो। धन्यवाद। एक लघु कथा है, कथनी करनी। मुझे इशारा करेंगे ना समय समाप्ति का। एक बहुत पुराने मित्र का पत्र प्राप्त हुआ। वे अब भी पत्र ही लिखते थे, जबकि आजकल मोबाइल का जमाना है, वे पोस्टकार्ड पे ही जवाब। कुशलता इत्यादि औपचारिकता के बाद उन्होंने लिखा, मित्र, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हमें इस पावन भाषा के विकास के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। हमें अंग्रेजी का मोह त्यागना होगा। आने वाली पीढ़ी को कॉन्वेंट में नहीं, गुरुकुल जैसी हिंदी माध्यम की पाठशाला में पढ़ाना होगा, तभी हमारी संस्कृति बच पाएगी। प्लीज़ मेरी बातों पर गौर करना, तुम तो लेखक हो, इस पर फौरन कार्य शुरू कर दो। लिफाफे पर उसने जो पता लिखा था वह अंग्रेजी में था। धन्यवाद सर। स्वरुचि भोज दो। शादी का सीजन चल रहा था। काफ़ी दिनों से घर पर रहकर घर का खाना खाकर लोग घूम गए थे, वे अब एंजॉय करना चाह रहे थे। फिर आज तो हद हो गई, चार निमंत्रण एक साथ मिले। ऑफिस के मित्रों में हड़कंप मच गई, सारी पार्टियां एक ही रोज है, कहां कहां जाएं। खाने के शौकीन मुंगेरी लाल जी ने तो यहां तक कह दिया, सभी एक दिन में क्यों मर रहे हैं, अलग अलग दिनों में रखते तो हर जगह अलग अलग व्यंजन खाने का आनंद मिलता। मैंने पूछा, अब क्या करोगे? इस पर वे बोले, पता लगाते हैं कि किसके यहाँ अच्छा माल बना है, वहीं पहले चलेंगे। 100 रुपये का लिफाफा देंगे तो कुछ तो वसूल करना ही पड़ेगा ना। मैंने कहा, यह तो तुम्हारी आदत में शामिल है, 100 रुपये की जगह जब तक 200 रुपये का वसूल नहीं लेते, कोई काम नहीं करते। तुम्हारी इस रुचि से तो पूरा ऑफिस परिचित है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे पास तो काफ़ी लघु कथाएं हैं, अब लगभग समय समाप्ति की ओर है। एक लघु कथा और फिर एक कविता सुनाऊंगा। गरीब बदलती परिभाषा। नगर के मुख्य अखबार में प्रथम पृष्ठ पर एक खबर छपी कि नगर के कबाड़ी के यहाँ छापा पड़ा और 1 करोड़ से ज़्यादा की अवैध संपत्ति जब्त हुई। एक व्यंकार मित्र ने यह खबर पढ़ी तो वेल बोल पड़े, लो कर लो बात, और फिर भी हम रोते रहते हैं कि हमारा देश गरीब है। जब हमारे देश के कबाड़ी का यह हाल है तो देश के कबाड़ियों की संपत्ति कितनी होगी, सोचा है कभी? धन्यवाद सर। एक ट्रेन और टीटी पे एक रचना है, ईमानदारी का राज। छुट्टियों का सीजन था, बहुत रश चल रहा था। ट्रेन आकर रुकी, 20 मिनट का स्टॉपेज था। 3 टायर स्लीपर कोच के पास बड़ी भीड़ थी। जैसे ही टीटी बोगी से बाहर निकले, लोगों के हुजूम ने उन्हें घेर लिया। लोग 500 रुपये
के नोट लेकर टीटी की तरफ बढ़े। एग्जामिनर ने कहा, नहीं नहीं, रहने दीजिए, भीतर जाकर बैठिए, बर्थ होगी तो मैं जरूर आवंटित करूँगा। उन्होंने किसी से भी पैसे नहीं लिए और कुछ लोगों को ईमानदारी से रसीद काट कर सीट अलाट कर दी। एक सज्जन रोजाना अप डाउन करते थे, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा, क्या हो साहब, आज ईमानदारी से क्या बात है? टीटी सपाट स्वर में बोले, आगे विजिलेंस की चेकिंग है। अंतिम रचना के रूप में एक मैं कविता सुनाता हूं आप लोगों को। मेरी कविता का शीर्षक है, विदा होती बारिश के साथ। वापस घर लौटती बारिश को विदा करते हुए मैं हिला रही थी अपने हाथ हवा में। वापस घर लौटती बारिश को विदा करते हुए मैं हिला रही थी अपने हाथ हवा में। किसी ट्रेन के कंपार्टमेंट में प्लेटफॉर्म से सरक कर दूर जाती परछाइयों के साथ जाने क्या हुआ। अचानक घिर आए बादल, हाथों में पानी की थैलियां लिए मेरे छत के ऊपर। छत चुप है, बोलना नहीं जानती छत माँ की तरह। छत चुप है, बोलना नहीं जानती छत माँ की तरह। इस छत के नीचे सजा रखे हैं मैंने यादों के गुलदस्ते, उन्हें बचा रखा है बारिश में भीगने से। इस गुलदस्ते के किसी कोने में एक फूल है, इस गुलदस्ते के किसी कोने में एक फूल है जो मुरझा कर भी ताजगी देता है स्मृतियों को। उपहार में दिए तुम्हारे शब्द संभाल कर रखे हैं मैंने। एहसास की रचना है ये, आप लोग सभी सुधीजन हैं इस बात को समझ पाएंगे। उपहार में दिए तुम्हारे शब्द संभाल कर रखे हैं मैंने, एक फूल की पंखुड़ियों को, इस फूल की पंखुड़ियों को। और भी बहुत कुछ है इस छत के नीचे जो चाह कर भी समय के साथ विदा नहीं होता, इस विदा होती बारिश के साथ। तो मित्रों, विदा होने का समय आ गया है। मैं पुनः किन्नौर मंच, अब तक मंच को नमन करता हूँ। संयोजक श्री राम भगत नेगी जी ने मुझे जो अवसर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। उनके लिए मैं दो लाइनें ये कहना चाहूँगा, नेगी साहब के ऊपर ये सही उतरता है, कि मेरी हाथों की लकीरों के इजाफे हैं गवाह, कि मैंने पत्थर की तरह खुद को संवारा है बहुत। आप सबका बहुत बहुत आभार। किसी और मंच पर इसी तरह से मिलते रहेंगे। नेगी साहब मुझे इशारा करे तो मैं विदा लूं आप सबसे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय नेगी सर, आप सब ने मुझे सुना, मेरा सौभाग्य है। आज की शाम मेरे लिए बहुत अभूतपूर्व रही। इन दिनों मैं बच्चे के पास विशाखापट्टनम आया हुआ हूँ और नेगी साहब का आदेश था, मैं आप सब के साथ हूँ। और बिल्कुल मैंने अपनी बातें रखी आप सब के पास, आगे आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे। इजाज़त हो तो मैं विदा लेता हूँ सर। बहुत बहुत नमस्कार, शुभ संध्या, शुभ रात्रि। धन्यवाद सर।